बॉलीवुड में राज करने वाले सलमान खान से भले ही कई स्टार्स कांपते हों, लेकिन सलमान खान उस वक्त लोगों से कांप जाते हैं जब वो किसी पीड़ित को दुख में देखते हैं। कई स्टार्स का करियर संभालने वाले सलमान खान कई गरीब लोगों के लिए भी भगवान बन चुके हैं और एक बार फिर से सलमान खान राखी सावंत के लिए भगवान बने। लोगों को शक तो तभी हो गया था जब सलमान खान बिग बॉस 14 में राखी का खूब सपोर्ट करते नजर आए थे। शायद राखी सावंत को पहले ही बिग बॉस 14 के घर से आउट कर दिया जाता। जिस तरह से उन्हें वोट मिले उसे देखकर अंदाजा नहीं लग रहा था कि राखी सावंत टॉप 5 में पहुंच पाएंगी। यूं कहें कि राखी सलमान के सपोर्ट की वजह से टॉप 5 में पहुंची और फिर उन्हें जानबूझकर 14 लाख रुपए भी दिए गए। कहीं ना कहीं सलमान खान को पहले ही पता था कि राखी को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर राखी को 14 लाख का ऑफर दिया जिससे वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। राखी सावंत ने बताया कि उनकी आर्थिक हालत खस्ता है, उनके अधिकतर पैसे मां के इलाज में खर्च हो चुके और ऐसे में इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। राखी ने कहा कि यही वजह है कि मैंने सलमान खान के विंग ह्यूमन फाउंडेशन के अलावा संजय दत्त और उनकी बहन प्रिया दत्त द्वारा चलाई जा रही कैंसर इलाज के जुड़ी संस्था नरगिस दत्त फाउंडेशन से भी मदद की गुहार लगाई है। इस बारे में मेरी बात प्रिया दत्त से भी हुई है, उन्होंने मां की बीमारी और इलाज से जुड़ी फाइल भी मंगवाई है। राखी ने बताया कि पेट के कैंसर से जूझ रही उनकी मां पिछले 3 महीने से मुंबई के जुहू इलाके के क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती हैं। राकेश ने बताया कि मां का 3rd स्टेज पर कैंसर है, फिलहाल उनकी रेडिएशन और केमोथेरेपी चल रही है। कुल 6 बार उन्हें केमोथेरेपी दी जानी है और अब तक 2 बार उनकी केमोथेरेपी हो चुकी है। बिग बॉस सीजन 1 और बिग बॉस सीजन 14 में हिस्सा ले चुकी राखी ने बताया कि उनकी मां की दिली तमन्ना थी कि वो एक बार बिग बॉस की ट्रॉफी जीते। राखी ने बताया कि इस बार ट्रॉफी ना जीतने से मेरी मां थोड़ी निराश है। अब मेरी मां का कहना है कि मैं बिग बॉस के अगले सीजन में अपने पति रितेश के साथ भाग लूं, बिग बॉस की ट्रॉफी जीत कर लाऊं। राखी ने हंसते कहा कि यह मेरी मां की आखिरी इच्छा है। आपको बता दें राखी की मां भी बिग बॉस सीजन 3 का हिस्सा रह चुकी हैं। इस बार का बिग बॉस 14 सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत की वजह से हिट गया। ये बात खुद सलमान ने भी कही। सलमान ने बताया कि जब से राखी सावंत ने बिग बॉस 14 में एंट्री की तब से शो का लेवल बढ़ता ही चला गया। राखी की वजह से शो जमीन से आसमान तक पहुंच गया, क्योंकि राखी ने अपनी इमेज की परवाह ना करते हुए लोगों का खूब एंटरटेनमेंट किया। वहीं सलमान ने भी उनके एंटरटेनमेंट की खूब तारीफ की, उनका सम्मान किया। लास्ट के दिनों में जब राखी से उनकी ख्वाहिश पूछी गई तो लोगों को लगा कि शायद राखी अपनी मां को देखने के लिए इच्छा बताएंगी, लेकिन उन्होंने पिज्जा खाने और वोट पाने की इच्छा बताई थी। ऐसा राखी ने क्यों किया वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि राखी की मां की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके बचने की भी उम्मीद कम बताई जा रही थी। हालांकि राखी की मां अभी भी हॉस्पिटल में है और सर्जरी करा रही है। वो राखी से मिलने के लिए बेताब हो रही थी, लेकिन राखी ने एक बार भी जल्दी घर जाने की इच्छा नहीं जताई। राहुल वैद्या ने भी उन्हें कहा कि मुझे लगा शायद तू अपनी माँ से मिलेगी, लेकिन तूने तो पिज्जा खाने की इच्छा बताई। शायद आप सब राखी के इस बर्ताव से नाराज होंगे, लेकिन राखी के इस बर्ताव के पीछे भी उनकी एक बड़ी मजबूरी रही है, जिसकी वजह से राखी को माँ को छोड़कर बिग बॉस चुनना पड़ा। दरअसल राखी ने पैसों के लिए बिग बॉस को आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा, उन्होंने पैसों के लिए माँ को छोड़ दिया, क्योंकि वो पैसे भी उन्हीं माँ के इलाज के लिए कमा रही थी। जी हाँ, राखी ने 14 लाख का पैसों का बैग उठाया तो उन्होंने सलमान को बताया कि इन पैसों से मैं अपनी माँ के इलाज का खर्च चुकाऊंगी। राखी अपनी माँ के इलाज के लिए अब तक सभी के टॉर्चर सह रही थी, क्योंकि उन्हें वो पैसे बहुत जरूरी चाहिए थे। वैसे तो राखी छोटे मोटे काम करके लाखों रुपए कमा सकती हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें मां के इलाज के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी। शायद इसलिए सलमान ने उनका सपोर्ट किया होगा। यकीनन राखी घर पहुंचकर अपनी मां को लिपट कर बहुत रोई होंगी, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मां से दूर रही हैं। उनकी इस मेहनत की कमाई में दूर से ही लगन और पसीना दिख रहा था। अब देखना होगा राखी अपने इन पैसों से वाकई में मां का इलाज कराएंगी। आपको बता दें फिल्म अग्नि चक्र से अपने करियर की शुरुआत करने वाली राखी ने बॉलीवुड के कई हिट आइटम सॉन्ग दिए हैं। इतना ही नहीं, राखी अपनी बातों से मीडिया में अक्सर चर्चा में रहती हैं।
लेकिन उससे ज्यादा वो अपने खराब कपड़ों की वजह से भी गॉसिप में रही हैं। राखी सावंत रियलिटी शो की दुनिया में राखी का स्वयंवर नाम का रियलिटी शो भी लॉन्च कर चुकी हैं। 2009 में लॉन्च हुए शो में राखी ने एक शख्स से शादी भी रचाई थी। कुछ महीने बाद अलग होने का भी ऐलान कर दिया था। राखी सावंत के पिता आनंद सावंत मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। वो मुंबई में अपनी मां जया के साथ रहती हैं। राखी सावंत अपने बोल्ड बयानों में कभी अपने ब्रेस्ट डोनेट करने की बात करती हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर बोल्ड तस्वीरें शेयर करके अपने फैंस को खूबसूरती का दीदार कराती हैं। राखी की प्रॉपर्टी की बात करें तो उनके पास मुंबई में 2 फ्लैट और 1 बंगला भी है, जिसकी करीब कीमत 11 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, राखी करीब 30 करोड़ की संपत्ति की मालकिन भी है और ये संपत्ति उन्होंने खुद बनाई है। राखी के पास 21 लाख रुपए की उनकी खुद की कार भी है। राखी की कमाई ज्यादातर स्टेज परफॉर्मेंस से आती है, तो राखी को लेकर आप भी कॉमेंट जरूर करें। इस वक्त राखी सावंत बिग बॉस 14 में एंटरटेन कर सुर्खियों में बनी है, तो दूसरी तरफ उनकी माँ हॉस्पिटल में खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रही हैं। वीडियो कॉल के जरिए तो राखी तक खबर पहुंच चुकी थी कि उनकी माँ सीरियस कंडीशन में है। इतना ही नहीं, राखी ने खुद अपनी आंखों से माँ को हॉस्पिटल में देखा तो वो घबरा गई, और अब उनके भाई ने बड़ी खबर सुनाई तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राखी के भाई ने माँ की खतरनाक बीमारी का खुलासा कर दिया। राखी की माँ को ऐसी बीमारी है जिसके इलाज में काफी पैसा तो लग जाता है, लेकिन इलाज के बाद भी पेशेंट की जान की जिम्मेदारी का कुछ कहा नहीं जा सकता। राखी के भाई राकेश सावंत ने खुलासा किया है कि उनकी माँ को पेट का कैंसर है, जल्दी ही उनकी सर्जरी होने वाली है और उसमें भरपूर पैसा लगेगा। राखी की माँ बता चुकी हैं कि ये खर्च उनके दामाद उठा रहे हैं। फैमिली वीक के दौरान राखी कहती हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि कोई उनके परिवार से मिलने आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि उनकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती है। राखी को पता था कि उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन माँ इस खतरनाक बीमारी की शिकार हो जाएंगी उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे तैसे बिग बॉस ने उन्हें सरप्राइज देते हुए वीडियो कॉल के जरिए उनकी माँ से मुलाकात करवाई। अब पता नहीं कि बिग बॉस ने राखी की माँ के कैंसर वाली खबर राखी को दी है कि नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो राखी सब छोड़कर शो से बेघर हो जाएंगी। अभी तक उन्हें लग रहा था कि माँ की हल्की फुल्की तबीयत खराब होगी, इसलिए वो अपना शो कंप्लीट करके ही बाहर जाएंगी, लेकिन लोगों को खतरा सताने लगा है। ऐसे में बिग बॉस भी दुविधा में फंस गए हैं कि राखी को ये खबर देना चाहिए कि नहीं। अगर बिग बॉस राखी को खबर देंगे तो राखी घबरा जाएंगी और सब कुछ छोड़कर वो भाग जाएंगी, और अगर बिग बॉस ने राखी को उनकी माँ की तबीयत के बारे में नहीं बताया तो भगवान ना करे कि राखी की माँ के साथ कोई अनहोनी हो जाए और फिर पूरे शो को इसका पछतावा हो और बड़ा खामियाजा भरना हो। राखी के भाई ने बताया कि राखी पहले ही अपने पति की वजह से परेशान है, ऐसे में मैं नहीं चाहता कि उसे माँ की खबर से परेशानी हो। राकेश ने बताया कि राखी के लिए सबसे जरूरी इस वक्त उसके पति से मिलना है। राखी हमेशा से उसके लिए प्रार्थना करती है और उसे एक बार देखना चाहती है। राखी के पति विदेश में है, फ्लाइट की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से रितेश भारत नहीं आ पा रहे हैं। राखी के भाई राकेश ने बताया कि बहुत से लोगों को लगता है कि राखी अपनी शादी को लेकर झूठ बोल रही है, लेकिन जरा सोचिए कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी। राकेश ने बताया कि हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि राखी का पति एक बार भारत आ जाए, जिससे लोगों को ये बता सके कि वो शादीशुदा है। राखी को रितेश के रूप में एक अच्छा जीवन साथी मिला है। इससे पहले जितने भी लोग राखी की जिंदगी में आए, उन्होंने अपना करियर सेट करने के लिए राखी का इस्तेमाल किया। तो इस वक्त राखी की माँ को लेकर आप भी दुआएं करिए और आप ही बताइए कि इस वक्त राखी के लिए शो जरूरी है या फिर माँ।